विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व के समस्या पर जरूरत से ज्यादा मनन मत करो। ये फाइन लाइन है, ये रहस्य समझो, कितना ध्यान देना चाहिए, कब फोकस हटाना चाहिए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें, जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाए, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश, ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। सभी को स्वास्थ्य मिले, इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें, इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें, ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें, जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है जहां संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है, ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें
बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांटकर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुंचे, सब तक ज्ञान पहुंचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुंचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब आपके जीवन में समस्या आए तो समस्या को देखकर बल बढ़ाना है, प्रार्थना में ताकत आनी चाहिए, नहीं आप ये कार्य होना चाहिए। जब प्रार्थना में बल आता है ना, आपके लिए रास्ता खुलता है। मर लोगों से गलती क्या होती, वो समस्या को ही देखते रहते, समस्या पर इतना मनन करते, समस्या कैसी है, ऐसी है, ऐसी है। अब अगर ज़्यादा देर आपने समस्या पर मनन किया तो क्या होगा, डिप्रेशन, निराशा, और निराशा में क्या होगा, समाधान जो आ रहा था वो रुक जाएगा। ये गलती इंसान से होती है। ये निरंतरता का रहस्य जानने वाले आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और पता चलता है पत्थर तो वहीं से आया जहां पहुंचना था, उल्टा उसने तो रास्ता बनाया। ये पत्थर नहीं आया होता, गुफा मिली नहीं होती। ये रहस्य आगे चल के मालूम पड़ते। ये आज ही कैसे मालूम पड़े हमें, हमें जो समस्या आई है हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं। तो समस्या को देखो थोड़ी देर और फोकस हटाओ, ये मिसिंग लिंक है। कितनी देर समस्या को देखें, समझा, समस्या को फोकस हटाया, वर्तमान पर लेकर आओ। वर्तमान में क्या क्या है, वर्तमान में क्या क्या रास्ते हैं। वर्तमान में आ गए आप, न पास्ट में न फ्यूचर में, वर्तमान में आपको रास्ते सुझाई देंगे। तो ये तीनों गुणों को साथ में इस्तेमाल करना है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझेगा, हर एक को कोई अलग अलग समस्या दिखाई देती है। समस्या पर ज़रूरत से ज़्यादा मनन मत करो, ये फाइन लाइन है, ये रहस्य समझो। कितना ध्यान देना चाहिए, कब फोकस हटाना चाहिए। जो लोग ये जान गए उनकी सफलता निश्चित है, सरसी की गारंटी है। जिनको कितनी देर देखना है, ये रेशो बहुत ही महीन है, फाइन है, क्योंकि ये लोग जल्दी सीख नहीं पाते, कई घटनाओं से गुजरकर कुछ लोग ही सीखते, वो भी जिनको ये ज्ञान है वो ये सीख पाते हैं, मगर उसमें समय लगता है। समस्या को कितनी देर देखना है, थोड़ा देखो, थोड़ा मनन किया, फोकस शिफ्ट, अब समाधान की तरफ फोकस है, वर्तमान में फोकस है, खुशी पर फोकस है, खुशी पर फोकस कि ये कार्य होगा, गुफा मिलेगी ही, खजाना मिलेगा, पृथ्वी लक्ष्य मिलने जा रही है, हो हा है, ये होने जा रहा, ये हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ पत्थर कहाँ से आया ये मुझे दिख नहीं रहा। तो ये करके आप आगे बढ़ेंगे, सही संग में रहेंगे, और इस सब के बैकग्राउंड में एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप शरीर नहीं हो, आप अपने हाथ को देख सकते हो तो उसका अर्थ ही क्या हो गया, आप ये हाथ नहीं हो, क्योंकि इस हाथ का आप इस्तेमाल करते हो, आप हाथ नहीं हो। आप जो शर्ट पहनते हो, ड्रेस पहनते हो, वो आप नहीं होते, आपको बहुत मालूम, क्लियर मालूम है, ये ड्रेस मैं नहीं हूँ। ड्रेस फट गई तो आप कभी कहते हो क्या, मैं फट गया, क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि ये मैं नहीं, ये मेरी ड्रेस है। तो जब आप कहते हो ना ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, इसका अर्थ ही क्या है, आप शरीर नहीं हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।